नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 26वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही राजस्थान का लगातार चला आ रहा हार का क्रम भी टूट सा गया। राजस्थान की इस जीत में राहुल तेवतिया और रियान पराग ने अहम भूमिका निभाई। तेवतिया और पराग ने 6वें विकेट के लिए 47 गेंदों पर नाबाद 85 रनों की साझेदारी कर एक तरीके से हार के जबड़े से जीत छीन लिया। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे राहुल तेवतिया और रियान पराग ने सनराइजर्स हैदराबाद से जीत छीन ली। आपको बता दें, इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 158 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही थी। बेन स्टोक्स पारी के दूसरे ही ओवर में आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद राजस्थान के विकेट्स लगातार अंतराल पर गिरते चले जा रहे थे और पारी के 12वें ओवर में संजू सैमसन के रूप में टीम का 5वां विकेट गिरा जब टीम का स्कोर केवल 78 रन था। यहां से जीत बेहद मुश्किल नजर आ रही थी। रियान पराग और राहुल तेवतिया आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी थी और इन्हीं पर सारा दारोमदार था। दोनों ने पहले सधे हुए अंदाज में खेलना शुरू किया और जब एक बार टिक गए तो उसके बाद ताबड़तोड़ पारियां खेलनी शुरू कर दी। दोनों ने चौकों छक्कों की जैसे बारिश कर दी। किसी हैदराबाद के गेंदबाज को दोनों ने नहीं छोड़ा। आपको बता दें, आखिरी ओवर में रियान पराग ने खलील अहमद की गेंद पर एक बड़ा छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से जीत दिला दी। आपको बता दें, रियान पराग ने 26 गेंदों पर 42 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं राहुल तेवतिया ने 28 गेंदों पर 45 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के जमाए। दोनों के बीच 47 गेंदों पर 85 रनों की शानदार साझेदारी हुई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।